भाई गुड मॉर्निंग। आज का पहला सेकंड सेमीफाइनल मैच खेला जा रहा है तानो कुइया वर्सेस स्टार इलेवन बासी के बीच, जो नुमान कंपनी की टीम है। सरफराज बाहुबली भी आए, जितने लोग देख रहे हैं और जफर लाइव को फॉलो भी कर ले। ये चले पहली गेंद के लिए रबाड़ा, हर पहले कदमों से अंपायर क्रॉस किया। ये गेंद फुल डॉट पहली गेंद अंपायर की सर एक पति छह मुकाबले की शुरुआत, एक बड़े मुकाबले की पहचान, एक बेहतर सकीर का मैच खेलने के लिए। क्या शानदार, क्या तेजी शुरुआत की है या ओसामा ने, जिसके लिए जाने आते हैं वही करने गए। और आज दाएं और बाएं हाथ का कॉम्बिनेशन जो है ना, हवा के कारण कहीं ना कहीं परेशान कर रहेगा गेंदबाजी यूनिट को। आठ आठ ओवरों का मुकाबला है, एक इनिंग में आठ ओवर फेंके जाएंगे, तो ये मुकाबला चलता हुआ अपने चरम सीमा पे है ये प्रतियोगिता। वही सी भी चकली गेंद रबाड़ा की, और गेंद बाउंड्री के बाहर चार रन। इसी की तो हम बात कर रहे थे, जो प्रेशर का मुकाबला होता है ना खिलाड़ियों पे कहीं ना कहीं जोर दबाव डालता है, और वही हुआ इस बार कप्तान फूलचंद शर्मा के हाथों से। तो कहीं ना कहीं ये जो मुकाबला है ना काफी प्रेशर भरा रहेगा, दोनों टीमों में एक से एक बढ़कर सितारे मौजूद हैं, तो सकते हैं ये मुकाबला काफी तसमतस का होने वाला है। जिस प्रकार से फील्ड छूटा ना उसी प्रकार से आप अंदाजा लगा लीजिए कितना तसमतस का मुकाबला है। भाई आप लोग शेयर करते रहे, जितने लोग देख रहे वीडियो को शेयर करते रहे। मौजूद है, स्ट्राइक पे सामना करेंगे रबाड़ा की अगली गेंद का। रबाड़ा एक बार फिर से चले 15-16 कदमों के रनों के साथ हल्के हल्के कदम को सहलाते हुए अंपायर को क्रॉस किया। ये गेंद अच्छी गेंद, अपील है लेकिन विश्वास नहीं, उत्साह ज्यादा, अंपायर प्रभावित नहीं इस बार। कहीं ना कहीं ये अच्छी गेंद की लाइन है, आप वहां डालेंगे तो बल्लेबाज परेशान होगा। जब एक बल्लेबाज के बल्ले से रन नहीं आते है ना, तो वो बल्लेबाज आड़ा टेढ़ा शॉट खेलता है, उसी बीच अपना विकेट गवा बैठा। लेकिन गेंदबाज जब रन लुटाते चला जाता है ना, बस दिशा से भटकता है। तो इसी बीच रबाड़ा अगली गेंद के लिए तैयार, स्ट्राइक पे मौजूद है ओसामा। ये क्या, इसी की तो हम बात कर रहे थे, नो बॉल का इशारा अंपायर द्वारा, और वहां फील्डर से कैच भी छूट गया, लेकिन दौड़ कर आए वहां पे फूलचंद शर्मा। थोड़ा सा ओवर थ्रो वहां पे, रुक रहा है क्या, कोई बोल रहा है, रुक रहा है। ऐसे मुकाबले में ऐसे फील्डिंग यूनिट का रुक रहा है, और सीमा रेखा से बाहर गए ओवर थ्रो के द्वारा। कुल 6 रन मिले इस गेंद पे, नो बॉल भी थी। 7 रन है ना, 7 रन सात। रबाड़ा जैसा आपका नाम है ना वैसी गेंदबाजी कर रही होगी आपको दानो कुइया के लिए इस समय। भाई नेटवर्क तो इस समय तैयार होगा, फिर से ओसामा फ्री हिट गेंद होगी, एक तो नीम और नीम के ऊपर करेला। ये अगली गेंद, ये क्या गेंद थी भैया, गुड लेंथ पे गिरी गेंद और अतिरिक्त उछाल रही, जिसके कारण बीट हुए। वहां स्लिप पे मौजूद है मोहसिन खान। भाई नेटवर्क मेरे हाथ में नहीं ना भाई, तो वही एक बार फिर से रबाड़ा तैयार है ओसामा के लिए। ओसामा तैयार है, ये क्लिक कर दिया गेंद, तो गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ, सिक्स और सीधा दर्शक दीर्घा में। क्या शुरुआत है जी, इसी के लिए तो जाने आते हैं बल्लेबाज ओसामा, और इनकी टीम ने जो उनको जिम्मा दिया है ना वो बखूबी कर रहे हैं, जैसा कि पिछले मैच में किया था। तो कहीं ना कहीं पहाड़ समान लक्ष्य होता बासी की टीम का, तो गेंदबाज को अपने स्पेल में वापस आना होगा और कुछ अच्छी गेंदों को करने का प्रयास करना होगा रबाड़ा को। कहीं ना कहीं प्रेशर भरा मुकाबला है ये, तो अगली गेंद के लिए चले। ये गेंद उठा दिया, फील्डर मौजूद है वहां पे, आते हुए कैच तो कलेक्ट नहीं कर पाएंगे भैया। ये जो हवा है ना झोंका बहुत तेज आज, और इसी बीच दो रन चुरा लिए दोनों बल्लेबाजों ने। कहीं ना कहीं ओसामा ने अपनी आंख से छोड़ दी थी कि हम बच जाएंगे, लेकिन जब भाग्य का सहारा होता है ना भैया, तो कुछ फरिश्ते भी काम नहीं आते हैं। तो वही हुआ इसे फील्डर के साथ, भागा तो बहुत अच्छे तरीके से लेकिन गेंद तक नहीं पहुंच पाया।
25 रन टोटल पहले ओवर की समाप्ति पे 25 रन। तो आज ये सेमीफाइनल दोनों टीमों के बीच में महारत हासिल है दोनों टीमों को बड़े बड़े टूर्नामेंट जीतने के लिए। मैं आपका कमेंटेटर आप सबके बीच में आज सेमीफाइनल और फाइनल के मैच में आंखों देखा हाल बयां करेंगे। इस पूरा टूर्नामेंट का लाइव मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ, आपका कमेंटेटर उस्मान भाई जानते हैं दिल से। सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए, जैसे कि आप जानते हैं कि तानो कुइया बनाम पासी के बीच में पहले क्षेत्र से करने का फैसला किया था, लेकिन जिस तरह से उनके पहले ओवर की गेंदबाजी हुई है ना, काफी असाधारण सी नजर आई। पहले ओवर की समाप्ति पे पासी का स्कोर है 25 रन पहले ओवर की समाप्ति पे। क्या बल्लेबाजी की है वो सामान्य चौको और छक्को की प्रसाद की थी पहले ओवर में, जिसके लिए वो जाने जाते हैं ना मुकर्रम। इस बार लो फुल टॉस गेंद, इसको स्लिप के बीच में से गेंद खेलना कहीं और चाहते थे, अंदरूनी किनारा लेती हुई तीसरे स्लिप और गली के बीच में से सीमा रेखा के बाहर चली गई। चार रन चली नहीं, लो फुल टॉस गेंद मुकर्रम की, ड्राइव करना चाहते थे कवर के क्षेत्र में, वहां पर बल्लेबाज परवीन गेल अंदरूनी किनारा, सफलता मिली चार रन। इस बार अच्छी गेंद कवर के क्षेत्र में, शानदार कैच, क्या लाजवाब कैच पकड़ा है फूलचंद ने, कप्तान है, योद्धा है, उनके इर्द गिर्द में यहाँ पर उनकी पूरी टीम उतरी है और शानदार कैचिंग, क्या कैच है, क्या नजारा है ग्राउंड पर उतर कर उन्होंने दिखाया है। यही तो कप्तान होता है, जिस तरह से एक घर के लिए मुखिया होता है ना जिम्मेदार, उसी तरीके से ग्राउंड हो किसी भी क्षेत्र में जब तक मुखिया ना और क्या खूबसूरत ड्राइव लगाते हुए गिरते लौटते पड़ते इस कैच को छोड़ा नहीं, बिल्कुल पकड़ा है। वो जानते हैं ये कितना बड़ा अहम मुकाबला चलता हुआ, मात्र ये ट्रॉफी जीतना उनका मकसद नहीं है, मात्र ये चमचमाती हुई बाइक जीतना उनका मकसद नहीं है, बल्कि इस जिले का जो सिद्धार्थ नगर की पावन धरती गौतम बुद्ध की नगरी से जाना जाता है, उस धरती पर एक छोटे से गाँव में जो इतने बड़े टूर्नामेंट का आयोजन कराया गया ना, उसको जीतने के साथ अपने गाँव का नाम रोशन कई जिलों में देखा जाए ना, हमने काफी दूर दूर तक मैच देखा है, लेकिन ये इतना बड़ा टूर्नामेंट है, ये खिलाड़ियों का मकसद है जीतना, इस ट्रॉफी को उठाना, और जो हमारे इससे टूर्नामेंट के मुख्य अतिथि है ना तीसरी दीपेंद्र विक्रम सिंह, उनका नाम भी रोशन कराना, उन सभी खिलाड़ी जानते हैं कितना लीगल कितना सही टूर्नामेंट ये पूरा टूर्नामेंट गुजरा है, अब उस चरम पर जा पहुंचा है, अपने अंतिम चरण में जा पहुंचा है, और उसके लिए मैदान पर उतरी है दो टीम है पासी बनाम दानो कुइया। मुकर्रम एक सफलता दिलाने के बाद उनके चाहने वाले, हम बता दें फूलचंद के चाहने वाले की तरफ से अच्छी गेंद, एक बार नीचे रहती हुई गेंद अंदरूनी किनारा लगा था, और कोई क्षति नहीं कोई नुकसान नहीं। यहाँ पर फूलचंद के चाहने वाले क्रिकेट प्रेमी की तरफ से अनाउंसमेंट कराया जा रहा है, इतने शानदार कैच उन्होंने पकड़ा था ना ड्राइव लगा के, तो 100 रुपए का भैया नगद पुरस्कार दिया गया है, क्योंकि क्रिकेट प्रेमी हमारे साथ कमेटी बॉक्स पे जुड़े हुए हैं, तो उनकी तरफ से 100 रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया है। मुकर्रम लेफ्ट हैंड के गेंदबाज ओवर द बॉलिंग करेंगे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए, अच्छी गेंद कवर के ऊपर से गेंद को खेला है दंडनाती हुई सीमा पार चार रन, मानो ऐसा लग रहा है ना पासी के जितने भी बल्लेबाज ग्राउंड पर उतरते हैं वो सेट होकर आते हैं, उनको पता है ये कितना अहम मुकाबला चलता है और साथ में पावर प्ले का अंतिम ओवर भी चलता है, तो बड़े लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ती हुई ये पासी की टीम टॉस हार कर बल्लेबाजी करती हुई स्कोर जा पहुंचा है 33 रन। नए बल्लेबाज गए हैं मुलायम लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज है, एक सफल बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाजी करने के लिए वन डाउन मैदान पे गए हैं। यार्कर की गेंद ड्राइव किया कवर के क्षेत्र में सीमा पार चली गई 4 रन के लिए। ये दोनों टीमों में जो भी जीतती है ना आज शाम को 2 बजे फाइनल मैच खेला जाएगा पासी और ये दोनों टीमों में जो भी जीतेगी। इस बार छोटी गेंद ऑन साइड में गेंद को खेला है उधर खिलाड़ी जा रहे हैं लेकिन सिर्फ दौड़ते रहेंगे सीमा पार 4 रन। क्या स्टोक है, क्या ड्राइव किया था मिड विकेट के क्षेत्र में, दो खिलाड़ी जो खड़े थे ना बल्लेबाज को ऐसा लग रहा मारो ना वो बिल्कुल सेट होकर आए, जहाँ चाहते हैं गेंद को खेल देते हैं और सीमा पार हो जाती है गेंद, खिलाड़ी वहां मौजूद थे लेकिन स्ट्रोक इतना तेज था तंदराती हुई सीमा पार चली गई 4 रनों के लिए। तेजी के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ इस चौके के साथ इस 37 रन मात्र दूसरा ओवर चलता हुआ सेमीफाइनल के इस ग्राउंड असलहरा में इस ओवर की अगली गेंद लेकर
अच्छी फिर से ड्राइव किया कवर के क्षेत्र में, बैक टू बैक तीसरा चौका, क्या लाजवाब बल्लेबाजी। ये बल्लेबाज ना चौके पे विश्वास रखता है, ज्यादा छक्कों पर चौके पड़े, चौके पे इन्होंने ज्यादा विश्वास दिखाया है और कामयाबी भी मिली है। चार रन के साथ स्कोर तेजी के साथ दो ओवर की समाप्ति पे समझौता 42 रन, एक विकेट के नुकसान पे 42 रन। क्या शुरुआत की है वहां पर, यहाँ पे सलामी टुकड़ी ने दो ओवर की समाप्ति पे बासी का स्कोर है 42 रन, एक विकेट के नुकसान पे सेमीफाइनल का यह मैच चलता हुआ। तो मुलायम के लिए एक किसी शायर ने क्या खूब लिखा, अभी तो चौका मारा छक्का तो अभी बाकी है, आगाज आपने देखा अंजाम अभी बाकी है। ये मुलायम सिंह के लिए था जो तीन चौके तो लगाए शुरुआती ओवर में, उसके बाद जब उनकी आंखें जमेंगी ना, जब गेंदबाजी का जब सामना करेंगे और ओवरों में ना, तो ये बॉल नहीं उनको फुटबॉल नजर आएगी। एक सक्षम बल्लेबाज, एक शानदार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। नए पर गेंदबाज आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, दानो कुइया की तरफ से अच्छा है, अक्षय आए हैं नए गेंदबाज, अपाने स्पेल का पहला, अपाने टीम के कोटे का तीसरा ओवर लेकर आए हैं। ओवर द बॉलिंग करेंगे, उनके सामने है वही बल्लेबाज उसामा जो पहले ओवर में 25 रन बनाए थे, छोटा रन पे अक्षय का। क्षेत्र से में कुछ बदलाव करते हुए पावर प्ले भी समाप्त हो गया है, पांच खिलाड़ी अपना 30 गज के बाहर रख सकते हैं क्षेत्र से करने वाली टीम, और जो टीम के कप्तान है फूलचंद, अब पांच खिलाड़ी को सीमा के बाहर रख सकते हैं, सीमा रेखा का बिल्कुल जो बॉर्डर होता है ना उस तक तैनात कर सकते हैं। एक छोटा सा रन अप है यहाँ पर अक्षय का, स्पिन गेंदबाजी, ये जादूगर आया है, कमाल की शुरुआत, लेकिन वाइड बॉल टप्पा खाने के बाद। हमारे साथ सभी लोग जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और बता दूं थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, इस वजह से रुक रहा है, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं भाई, नेटवर्क इशू है। अब उमर भाई शुक्र भाई जुड़े, बहुत बहुत स्वागत है भाई आपका। सेम उसी का कॉपी टाइप किया है, सिर्फ शॉट खेला है, उधर खिलाड़ी है दौड़ते जाएंगे उस गेंद के पीछे, सीमा रेखा की तरफ भी जाती रहेगी गेंद और पार भी हो गई 4 रन। तो आप लोग भाई शेयर करते रहे भाई, जितने लोग देख रहे वीडियो को, गेंद खराब नहीं थी, थोड़ा सा रुक रहा है, मैं जानता हूं भाई नेटवर्क इशू है यहां पे, और वहां पे फाइनल के क्षेत्र में गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। क्या शानदार स्ट्रोक था वहां पर बल्लेबाज ओसामा का, दर्शक की दर्शक का जो नजारा है ना इस टूर्नामेंट में, दर्शकों का भी एक बड़ा योगदान है। इस इतने बड़े टूर्नामेंट को जब देखने के लिए दर्शक आते हैं ना, तो साथ में हमारी कमेटी और कमेटी के जो अध्यक्ष है और इसके जो मुख्य अतिथि हमारे दीपेंद्र विक्रम सिंह, तक जब ये वीडियो लाइव देखते हैं ना, तो उनको भी दिल बाग बाग हो जाता है, उनको भी लगता है हाँ ये टूर्नामेंट सफल होता हुआ। जिस तरह से पहले सीजन में 2022-23 में टूर्नामेंट का पहला सीजन खिलाया गया था वो सफल हुआ था, उसके बाद इतने बड़े टूर्नामेंट का सीजन का प्रवीण गिल आउट हो गया भाई, इतना भव्य तरीके से कराया गया, सरपंच बाहुबली अभी बचे हुए हैं, अपने चरम पर जा पहुंचा है। जिस तरह से इलेक्शन का माहौल चल रहा है ना लोकसभा का, अपने चरम पर है और खेला है, खेला ही नहीं है, बहुत दूर और 6 स्पिन गेंदबाजी टूर्नामेंट में। इस टूर्नामेंट में अभी तक मैंने जितने भी मैच देखे भाई, ओसामा पांड्या इसी कारनामे से जाने जाते हैं, 12 गेंद 50, 13 गेंद 50, 14 गेंद 50, काफी खतरनाक बैट्समैन है ओसामा पांड्या, हमसे दूर जाते हुए खूब घूम कर माना चाहते है गेंद बोलने के बाद 4 रन, लेकिन उसको भी भेद पाएंगे 4 रन। क्या बल्लेबाज है भैया, क्या बल्लेबाजी का नजारा पेश कर रहे हैं ओसामा, मानो ऐसा लग रहा ना हर कमरान खान नहीं है भाई, देखते हैं और कामयाबी भी पाते हैं भाई। आप लोग शेयर करते रहे भाई, जितने लोग देख रहे वीडियो को शेयर करते रहे, तीसरा ओवर मात्र स्कोर बोर्ड पर चलता हुआ, और जफर एंजेल लाइव को फॉलो भी कर ले, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले भाई। तीसरा ओवर चलता हुआ 56 रन, क्या शुरुआत दिलाई है, ये सेमीफाइनल, ये अहम मुकाबला चलता हुआ, जो टीमें जीतेगी ना ये दोनों टीमों में से, वो शाम के आज ही 2 बजे फाइनल खेला जाएगा इस ओवर की अगली गेंद लेकर। अच्छा है ओवर द बॉलिंग करते हुए ओसामा की, ओ खेला रन, ये फ्लैट सिक्स है, ये बल्लेबाज की कला है, मानो ऐसा लग रहा है ओसामा भाई ने भाई 11 गेंद पे 44 रन जो सेट होता है ना, जिस तरह से एक बार इसी के लिए विवाद हुआ था याद हमें
वर्ल्ड कप में। सामा भाई ने 11 गेंद पे 44 रन बना दिए भाई। खेलना चाहिए कपिल, अपील में उत्साह ज्यादा विश्वास कम है। अंपायर ने अपील को ठुकराया और 3 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ 62 रन समाप्ति पे टॉस हार कर बांसी बल्लेबाजी करती हुई स्कोर जा पहुंचा है 3 ओवर की समाप्ति पे। स्कोर महोदय बता रहे हैं 62 रन, कितना भाई। आप लोग शेयर करते रहे भाई, जितने लोग देख रहे वीडियो को शेयर करते रहे। 12 गेंदों पर ओसामा ने 45 रन बनाए हैं, 44 रन भाई। देखा होगा आईपीएल वर्ल्ड कप में 2007 में सबसे तेज अर्धशतक ओवर की समाप्ति हुआ है। जो सबसे तेज अर्धशतक आया था ना, वो युवराज सिंह के बल्ले से 13 गेंदों पर आया है और 12 गेंद पर ओसामा तो कोई वर्ल्ड कप से और कोई आईपीएल से कमरान खान नहीं आ पाए कहीं, और उनका मैच था भाई घरेलू है। लेकिन आप इसको घरेलू मत समझिए, क्योंकि इतने बड़े दिग्गज खिलाड़ी इस ग्राउंड पर उतरे हैं तो मात्र ये सीमित नहीं है घरेलू के लिए। यहाँ से बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी को बनाया जाता है। ओसामा, उमेश तिवारी, बुमराह, मातृभूमि प्रीमियर लीग असनारा का वो ग्राउंड, ये उत्तर प्रदेश का सबसे लास्ट जिला है। इसके बाद आपको आगमन होगा नेपाल का, इसी ग्राउंड से लगभग 50 से 55 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर पाउडर आएगा नेपाल का। तो ये सबसे लास्ट जिला है, उसी जिले के एक छोटे से गांव में, एक छोटे से कस्बे में, वहाँ उभरता वो सितारा दीपेंद्र विक्रम सिंह, उनको जानते हैं, क्रिकेट से काफी लगाव रखते हैं दीपू भैया। और खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए, एक बड़े बड़े खिलाड़ियों को पैदा करने के लिए इतने बड़े टूर्नामेंट नहीं, कमरान खान नहीं आए भाई, आप लोग शेयर करते रहे। पहली गेंद और गेंद बॉन्ड एक बार 4 रन। बुमराह, बुमराह की तरह एक्शन, लेकिन पहली गेंद चौका के लिए गेंद सीमा रेखा के बाहर खेल दिया 4 रनों के लिए स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। बाहुबली है भाई, रोमान में बाहुबली है, सब लोग हैं। लो फुल टॉस के स्क्वायर लेग में खिलाड़ी है ना, लेकिन 30 गज सर्कल के अंदर खड़े थे खिलाड़ी, उसको भेद पाने में कामयाब हुए वहां पर बल्लेबाज ने और गेंद सीमा रेखा के बाहर भेज दिया। बाहुबली टीम में है भाई, और कमरान खान नहीं आए कहीं, और उनका मैच था। इस ओवर में अपने रन अप पर दूसरी बार जाते हुए कमरान खान ने फाइनल मचा, इलाहाबाद ने फाइनल मारे है। टीम का स्कोर है 66 रन। ये है बासी बल्लेबाजी के बल्लेबाजों का कला, ये है बल्लेबाजी बासी का जो सलामी जोड़ी के लिए गए थे और चौके और छक्के से। इस बार शॉट आप लेंगे, वाइड बॉल अंपायर का इशारा आता हुआ, टप्पा खाने के बाद लेग स्टंप के बाहर जाती हुई, अतिरिक्त के खाते में 1 रन और जुड़ता हुआ, टीम के स्कोर में आगे जुड़ता हुआ। ये दोनों टीमें ये सामने भाई, आप लोग शेयर करते रहे भाई, जो लोग देख रहे वीडियो को शेयर करते रहे, और जफर एंजल लाइव को फॉलो भी कर ले, बता देना YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले भाई। रंग का रंग कार्यक्रम के साथ यहीं पर समापन होगा फाइनल मैच का। इस ओवर की अगली गेंद क्लीन बॉल, वाह बुमराह, वाह बुमराह, क्या गजब की गेंद और क्लीन बॉल कर दिया भाई। वो स्ट्राइकर गेंदबाज, वो मुंबई इंडियंस का सफल गेंदबाज, जब गेंदबाजी करने के लिए आता है ना, कमाल की गेंदबाजी के साथ शुरुआत करता है। और जब उनके कप्तान फूलचंद ने उनके अब आ रहा है बैटिंग करने के लिए सरफराज बाहुबली, देख सकते हैं भाई। दूसरी गेंद वाइड बॉल, लेकिन उसके बाद जब इस ओवर की तीसरी गेंद लेकर आए ना, नीचे रहती हुई गेंद, बुलाए का बल्ला ऊपर, बॉल नीचे, बैट से ना सही, स्टंप से जाके टकराई, विकेट का पतन होता हुआ मुलायम के रूप में, दूसरा विकेट का पतन होता हुआ। एक सफल गेंदबाज के रूप में जाने जाते हैं मुलायम। ट्रिक स्टाली छोटे थोड़े टाइम के लिए मैदान पर भेज दिए भैया, खिलाड़ी ट्रिक स्टाली कर ले, खिलाड़ी पानी पी ले भैया का जो ट्रिक स्टाली गई है। 8 ओवर का मैच चलता हुआ, काफी तेज धूप है, कड़कती हुई धूप या चमकती हुई धूप, लेकिन ये चमकते हुए सितारे को रोक पाने में नाकाम है ये ग्राउंड। इस ग्राउंड पर दिन में 3-3 मैच खेला गया है। ठीक है ठीक है, एकदम सवाल बनेंगे भाई। खिलाड़ियों का जो हौसला है ना, अब आए इस टीम का यहाँ पर आगमन हुआ, सरफराज बाहुबली बैटिंग करने के लिए बाहर हो चुकी है, लेकिन वो उनको नहीं भूलना चाहिए कि आने वाला समय आपके लिए फिर से रवि यादव है भाई, रवि यादव है। आने वाला अगला साल है ना 2023-24 का, उसमें भव्य टूर्नामेंट का एक बार फिर से आयोजन होगा, मजबूत टीम बनाइए। सरफराज बाहुबली आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए भाई, जितने लोग देख रहे वीडियो को शेयर करते रहे, और जफर एंजल फॉलो भी कर ले। और नवंबर में एक मैच होने जा रहा है एचएम ग्रीन के नाम से, कटवा प्रो हाउस में, यूट्यूब पर जाकर इनका नाम सर्च करेंगे ना,
ऑर्गेनाइजर है उमर शिकरौरी भाई, बहुत बहुत स्वागत है भाई। रन निकले, काफी रन निकले हैं। मेरी अभी शादी नहीं हुई भाई, बता दें ये बहुत बड़ा दिग्गज खिलाड़ी है। और वो कौन से आप लोग शेयर करते रहे भाई, जो लोग देख रहे वीडियो को शेयर करते रहे भाई, मातृभूमि के उस ग्राउंड पर। और फॉलो कर ले पेज को, यूट्यूब चैनल जबरदस्त लाइव को भी अपने बल्लेबाजी का फॉलो कर ले, शेयर करते रहे। एक तरफ है ओसामा और एक तरफ है सरफराज बाहुबली, देखते कौन आज सामने है किस पे है। सामने है बुमराह, देखिए तीनों के एक नंबर स्टार। ओ पहली गेंद समझ नहीं आई, खिलाड़ी मौजूद थे, हल्की सी फील्ड हुई है। जब तक कप्तान स्क्वाड लीग के क्षेत्र से फूलचंद्र दौड़कर फील्ड करके थ्रो करते दौड़कर एक रन पूरा किया, इस एक रन के सरफराज भाई आजम का एक और ऐतिहासिक टूर्नामेंट टीम का इसका सपोर्ट तमाम खेल प्रेमियों को इंतजार रहता है। तो 23 नवंबर 2024 को प्रथम पुरस्कार 3 लाख और सेकंड प्राइज 2 लाख, 16 टीम ओनली आपको उसमें एंट्री लेगी, जिसके ऑर्गेनाइजर है अबू उमर शिकरौरी भाई। बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट है भाई। ओ क्या गेंद, कामयाबी मिली वहां पर बुमराह को, लगभग बल्लेबाज से ना 2-3 कदम पहले गेंद टप्पा खिलाया। बल्लेबाज एक बार मन बना चुके थे बड़े स्टोक की तरफ, लेकिन जब देखा गेट आए अब स्टोक की थोड़ी सी बाहर है ना, उसको छोड़ने में वहां सही समझा बल्लेबाज ने और स्विंग होते ही गए। भाई आप लोग प्लीज शेयर करते रहे, जितने लोग देख रहे वीडियो को शेयर करते, स्टैक पे ओसामा पांडा, ना स्टैक पे सरफराज बाहुबली और बॉलिंग करे उमेश तिवारी बुमराह, तीनों स्टार प्लेयर खिलाड़ी को जो थोड़ा देखते हैं किसमें कितना एकदम अपने क्षेत्र से में बदलाव करते हुए टीम के। पहली गेंद काफी टर्न कराई भाई, समझ उनके सामने बल्लेबाज ओसामा जो अर्धशतक के बिल्कुल दहलीज पर जा खड़े हुए हैं इस ओवर की अगली गेंद लेकर हमसे दूर जाते हुए लंबे लंबे कदमों से। अच्छी गेंद वहां पर, बिल्कुल ब्लॉक होल में डाली गई, जोरदार अपील, एक जोरदार अपील होती, क्या उत्साह है खिलाड़ियों को मत देखिए। आप जो दर्शक हाथ पैर आप लोग शेयर करते रहे वीडियो को, जफर एंजल लाइव को भी फॉलो कर ले, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले भाई। देखिए कितनी धूप में ये सब मैच देख रहे हैं, 45 आज की टेम्परेचर 41 डिग्री टेम्परेचर है प्रेजेंट टाइम में। काफी मेहनत से हम लोग लाइव दिखा रहे, तो आप लोग थोड़ा सा शेयर भी करते रहे भाई और जफर एंजल को फॉलो भी कर ले। इस ओवर की अगली गेंद से दूर जाते हैं, फुल टॉस के तो खेला सीमा के क्षेत्र में जा रहा है, उधर खिलाड़ी खिला खड़े हैं मिड विकेट के खिलाड़ी, जब तक फील्ड करके थ्रो करते ओवर की समाप्ति, ओवर भी समाप्त होता हुआ। ये कौन में बुमराह ने 6 रन दिया ना, वाओ क्या स्पेल डाला भाई बुमराह ने, एक ओवर में सिर्फ 6 रन दिए। समझौता गेंद फट गया है, डेड बॉल, अगर जब गेंद फटती है ना तो डेड बॉल दिया जाएगा, चाहे ये डेड बॉल है भाई, दूसरी गेंद दी जाए भैया। गेंदा अगर जो फटता है भैया ना तो डेड बॉल, चाहे वो कैच आउट होगा या रन लेंगे या डॉट बॉल होंगे, अगर जो हमारे अंपायर तक वो बात पहुंचती है ना कि गेंद में कुछ दिक्कत है तो उसको डेड बॉल करा दिया जाए, ये दोनों टीमों को पता होना चाहिए भैया। चौथा ओवर के अभी भी अंतिम गेंद शेष बचा है, गेंद में कुछ दिक्कत आई थी जिसकी वजह से गेंद को चेंज कर दिया गया है, वही कंपनी वही सब कुछ वहां पर दूसरा गेंद भेज दिया गया है उसी कंपनी का, और फिर से एक बार मैच शुरू होता हुआ। चौथा ओवर की अंतिम गेंद लेकर बुमराह तैयार उनके सामने है भाई, क्या क्या भाई आप लोग कमेंट करते हैं भाई, आप लोग शेयर करते रहे बस, जफर एंजल को फॉलो कर ले, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तेज कदमों से बुमराह, अच्छी गेंद, थोड़ी देर के लिए हवा, जो लोग देख रहे हैं वीडियो को आप 5 रन दिए हैं। सफल ओवर पर यहां पर समाप्त होता है, मैं बता दूं शाम को जो भी टीम जीतेगी फाइनल मैच खेलेगी। स्कोर है 68 रन, 2 विकेट के नुकसान पे हमारे नए कमेंटेटर हमारे बीच में आंखों का आंखों देकर लगकर आएंगे, भास्कर जी का हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत ख्याल मत दम रिस्पेक्ट बार, तो एक बार फिर से मैं जुड़ गया हूँ प्रयाग भास्कर, खेल प्रेमी और खिलाड़ियों दर्शकों का तहे दिल से आए हुए सभी खेल प्रेमियों का ख्याल मकदम और रिस्पेक्ट बहाल करता हूँ और करता ही रहूंगा, इस टूर्नामेंट का ये आखिरी दिन है। तो एक बार फिर से आप सभी दर्शकों को बता दें कि जो भी मुकाबले का लाइव लुत्फ उठाना चाहते हैं, कमरान खान साहब में भी नहीं आएंगे भाई, जितने लोग देख रहे वीडियो को शेयर करते हैं और जफर एंजल लाइव को फॉलो भी कर ले, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जफर एंजल नाम से, हाईलाइट मैच देखने के लिए मुकाबले की शुरुआत करेंगे क्योंकि मुकाबला शुरू से ही काफी विलंब। इंस्टाग्राम भी फॉलो करते रहे भाई जफर एंजल नाम से, उस पे 8,000 फॉलोअर हो चुके हैं। मातृभूमि प्रीमियर लीग 2024 सीजन 2 का यह महा मुकाबला चलता हुआ
सरफराज बाहुबली स्ट्राइक पे और नॉन स्ट्राइक पे ओसामा पांडे दोनों धाकड़ बल्लेबाज और बॉलर है इस समय वकार मुकर्रम। एक बार फिर से गेंदबाजी छोड़ के लौट आए हैं मुकर्रम और उनके सवालों के जवाब में खड़े होंगे सरफराज बाहुबली। ये पूर्वांचल का सितारा कहा जाने वाला अपने नाम को शुमार किया है अच्छे बल्लेबाजों में। अभी चाय में मौजूद है, सामना करेंगे मुकर्रम का बाएं हाथ के तेज गेंदबाज। मुकर्रम अपने रनअप पे तैयार है, इस बार लगभग 10 से 12 कदमों का रनअप और अपने पैर को सहलाते हुए। भास्कर मिश्रा भाई मजा ले रहे हैं भाई, कोई बात नहीं भाई, बड़ा मौजूद है। इंस्टाग्राम भी देख लो, इस पे रील वील पड़ेगी तो आप लोग को थोड़ा सा मतलब मनोरंजन के लिए है। मुकर्रम यहां पर क्रॉस किया, ये अच्छी गेंद थी, यह स्ट्रोक लगाया पॉइंट की दिशा में, थोड़ी सी मिस भी लेकिन रन जुड़ा पाएंगे। तो अब स्ट्राइक के मौजूद होंगे ओसामा पांडे आ चुके हैं भाई, चार रनों की दरकरार है या चौका लगा या छक्का और शतक तो पूरा ही होगा। तो दो लहजे समा को परवाने की जरूरत क्या है उमर भाई, भाई जाने दो। छक्का जो होगा तो देखा जाएगा। यह अच्छी गेंद, फाइनल में प्राइज अपाची सामने रखी हुई भाई, अपाची देख रहे हैं के सामने बल्लेबाज ओसामा की जस्ट पीछे देखिए बाइक रखी हुई, वही फर्स्ट प्राइज है अपाची। आप हैं सरफराज बाहुबली, ओ खेल दिया है, गेंद को भेज दिया तारामंडल में 6 रनों के लिए, संभवतः 108 मीटर का छक्का सरफराज बाहुबली के बल्ले से। मारो ऐसा कहा जाए सिर्फ बल्ले से टच कराया हो और लपेटा घसीटा गेंद को भेज दिया सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। सरफराज बाहुबली नॉन स्ट्राइक पे ओसामा पांडे दोनों धाकड़ बल्लेबाज और स्ट्राइक पे मुकर्रम और बॉलिंग पे है रिंकू भी नहीं आया भाई। अब बाजी है फर्स्ट प्राइज जुगल तिवारी, बारी नहीं खेल रहे भाई, शायद पानी लेके आए तो ब्राह्मण खिलाड़ी होंगे आज। हेलो और आउट सरफराज बाहुबली चल पड़े हैं एक बार फिर डगआउट की ओर। यही तो अच्छे खिलाड़ी की पहचान होती है, ईमानदारी सबसे बड़ा प्रतीक है खिलाड़ी का और कहीं ना कहीं वही करते दिखाई दे रहे हैं सरफराज बाहुबली। सांसा आदमी भाई कुछ भी आप बोल रहे हैं भाई, मत ऐसा करो। हेलो हेलो आप लोग प्लीज भाई फॉलो करते रहें। आप आए बैटिंग के लिए नुमान भाई, वही तो मांग रहे, घंटा से कोई नहीं ला रहा है सर, कोई एक घंटा से कह रहे पानी दे दीजिए। हेलो जी 70 रन कुल स्कोर इस समय, आप बल्लेबाजी के लिए आएंगे नुमान से जी कप्तान है, तो एक बार फिर से कप्तान चला सीधा तान, जो कप्तान होता है ना अपनी टीम का एक प्रकार से योद्धा होता है। नहीं सुने, अब आए बैटिंग कर लेके नुमान शेख। हेलो ये अच्छी गेंद थी इस बार लेकिन कट कर दिया, गेंद बाउंड्री के बाहर जा रही है, ओ ये मिस फील्ड हो रहा है, जा रही है सीमा रेखा की तरफ 4 रनों के लिए। तो आते ही चौके से खाता खोला यहाँ नुमान से कप्तान ने।
सलमान मिर्जा हैं भाई। हेलो हेलो, तो इसी बीच मुकर्रम है, कपड़े तैयार है लेकिन वो तैयार नहीं है। बल्लेबाज नवाज शेख, तो मुकर्रम एक बार फिर से तैयार है। नवाज शेख वहां पे स्ट्राइक पे सामना करेंगे मुकर्रम का, बाएं हाथ के गेंदबाज। ये अच्छी गेंद थी लेकिन उसने भी बेहतर शॉट लगाया, इस बार गैप को पाया है लेकिन दौड़ कर फिल्टर आए, वह शक्तिमान का रूप धारण किया, गेंद को रोक दिया सीमा रेखा से बाहर जाने से। रबारा खूब मौजूद थे वहां पे, तो कौन सीमा रेखा से बाहर रहेगी? संभवतः यहाँ पे ओवर की समाप्ति मुकर्रम के, तो इसी बीच इस ओवर की समाप्ति के साथ तो मातृभूमि प्रीमियर लीग 2024 सीजन 2 का आज के दिन का यह महामुकाबला चलता हुआ सेमीफाइनल का मुकाबला, जो भी टीम जीतेगी सीधा फाइनल में सेमरियावा से खेलेगी। सेमरियावा पहले ही अपना जगह बना चुकी है। तो आज मुख्य अतिथि की बात की जाए जो कि शाम को 3 बजे आएंगे, उनका आगमन होगा। मुख्य अतिथि श्री दीपेंद्र विक्रम सिंह और दीपू भैया, उनके साथ ही आएंगे अमन पांडे, ये होंगे हमारे मुख्य अतिथि। और वह अध्यक्ष की बात की जाए तो युवराज शाह इस टूर्नामेंट को चलाते हुए उपाध्यक्ष, राम शाह मौर्य सेक्रेटरी, जावेद शाह, अमित शाह, तवीर शाह कैप्टन। इसी बीच बुमराह की अगली गेंद ये दिशा से भटके ओवर वाइड देखता इशारा। आप इतने अच्छे गेंदबाज कहे जाते हैं, अगर इस सेमीफाइनल के मुकाबले में ऐसी गेंदबाजी करेंगे तो काम नहीं चलेगा भैया, क्योंकि आपकी टीम को आपसे बहुत आशाएं हैं। और अच्छे गेंदबाज का जो रोल होता है ना वो अतिरिक्त रन ना दे तो आप करते नजर आ रहे हैं। जो लोग देख रहे वीडियो को शेयर कर दिया और जफर एनजेड को फॉलो भी कर लें, और मेरा इंस्टाग्राम है जफर एनजेड नाम से, उसको भी आप लोग जाके फॉलो कर लें। यूट्यूब चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लें। 24 से 25 कदमों के रन पे और हल्का हल्के कदमों को सहलाते हुए उछलते हुए भागते हैं बारो क्रॉस किया। ये अच्छी गेंद, ये लत जो है ना इसकी तारीफ करनी होगी, सराहना करनी होगी। इस बार वह स्ट्राइक पे मौजूद थे नुमान शेख। समा को परवाने की जरूरत क्या है, तू सामने है तो सरवाने की जरूरत क्या है, लगा के छक्का जो होगा देखा जाएगा। धन्यवाद सामा, ये बार प्रयास तो था लेकिन इस बार नीचे रह गए, तो में जा रही है तो एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। सम्मा को परवाने की जरूरत क्या है, तो एक प्रकार से रुकता जा रहा है, तो उसका ध्यान रखते हुए कप्तान खुद बल्लेबाजी करने आए। आज की टीम में मौजूद रही है आईपीएल प्लेयर स्टार कामरान खान, उनकी कभी कहीं ना कहीं खेलती हुई। राजू का भाई एकदम बढ़िया हो भाई, आप कैसे हो? जो लोग देख रहे वीडियो को भी शेयर करते रहे। ये गेट और हो गया तो यार, और ये तो उंगलियां फेर दी अंपायर ने, ये उंगलियां फेर दी है और बल्लेबाज ने जिस प्रकार से बल्ला फेरा था ना, लग रहा था गेट जाके बाहर गिरेगी लेकिन बल्लेबाज खुद बाहर आके बैठेंगे डगआउट में। कप्तान थोड़े से निराश करते हुए आज बासी के नवाज शेख, तो अब तक संभवतः बिट्टू तिवारी नहीं आया बल्लेबाजी के लिए, तो आप देखना होगा बिट्टू तिवारी को कब भेजती है बल्लेबाजी की टीम। और ये देखिए मेरी आकाशवाणी, बिट्टू तिवारी खुद आया बल्लेबाजी के लिए जैसा कि मैंने कहा, और बिट्टू तिवारी खुद चल पड़े। तो अब ग्राउंड में आगमन हो चुका है बिट्टू तिवारी का। बिट्टू तिवारी अगले बल्लेबाज के रूप में इस चाय पे मौजूद होंगे, सामना करेंगे बुमराह की गेंदों का। सारे 11 बासी के जो फायर है ना उनको बता दिया जाए कि आप चिंता मत करिए, अभी भी स्ट्राइक पर ओसामा मौजूद है, समझ आएंगे नॉन स्ट्राइक पर ओसामा मौजूद है, जब तक ओसामा है तब तक मुमकिन है आपको ऐसा बता दें। तो वही गेंदबाज बुमराह और रबाड़ा भी कम नहीं है, हालांकि रबाड़ा को पहले ओवर में 25 रन जरूर पड़े लेकिन अच्छे गेंदबाज माने जाते हैं वो। तो वही बुमराह चलिए एक बार फिर से सामने होंगे बिट्टू तिवारी, आक्रमक बल्लेबाज दाएं हाथ के जो कि बिहार से ताल्लुकात रखते हैं। अरे यार अगली गेंद पे ले चले क्या भाई, बिहार से क्यों बोल रहे हो भाई?
ये कुछ अतरंगी सा शॉट था, बल्ला अतरंगी सा फेरा था रबाउट में चार से वहां पे, लेकिन लगती तो आउट। इस बार ओसामा और बीटू तिवारी की जोड़ी जो वाला कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन कुछ खराब दिखता हुआ, हाँ ना की तालमेल में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई। और यह भाई के रूप में रन चार गेंद दो गेंद शेष है इस ओवर में। चार गेंदे हुई है इस ओवर में, दो गेंदे शेष है भाई। एक ओवर चार गेंद पे उस बुमराह ने सिर्फ दिए हैं भाई आठ रन और दो विकेट लिए हैं, ये याद रखिए। तो अब बुमराह तैयार है अगले बल्लेबाज जो सामा के लिए अपना अपने अर्धशतक से बहुत करीब। ये अच्छी गेंद थी वहां दो रनों की मांग है। बेटे तिवारी भागे तो है पल्ला लेकर, वह रन आउट का चांस है और इस बार अपनी संदीप सिंह राजपूत का, और यह आउट आउट हो गए ओसामा। जो आखिरी उम्मीद थी बाजी की टीम की वो भी लड़खड़ाती हुई। ओसामा भी रन आउट होकर वापस जा रहे हैं, खिलाड़ी ने रन आउट किया ना उसके लिए 100 रुपए का पुरस्कार यहाँ पे, जो भी खिलाड़ी ने रन आउट किया 100 रुपए का पुरस्कार यहाँ कमेंट्री बॉक्स में मौजूद है। बिट्टू तिवारी फिट हो गए भाई, पहले से फिट हो गए। तो 85 70 की जर्सी में सितारा उभरता हुआ, पूर्वांचल का सितारा माना जाता है, भविष्य माना जाता है। तो भाई उनका साथ देंगे अब ओसामा बाहर आए पवेलियन तो गए रवि बल्लेबाजी के लिए, अशतक के बहुत नजदीक थे ओसामा, कहां भी उसको और बच्चा है कहीं ना कहीं जब भाग्य का सहारा आपके साथ नहीं होता है ना तो ऐसा ही होता है। लगातार तीन मैचों में धुप्ती हो जाती है ओसामा की, मैन ऑफ द सीरीज के प्रबल दावेदार। तो तैयार है रवि, सामना करेंगे बुमराह की गेंद का, तो कहीं ना कहीं अपनी टीम को बड़े स्कोर की तरफ ले जाना चाहेंगे रवि। कभी कोई बल्लेबाज जो सामने को छोड़ दिया जाए तो कुछ खास नहीं कर पाया, चाहे कप्तान नुमान सेफ खुद हो। अपनी गेंद ये गेंद पुल किया हवा, फील्डर भागता हुआ हवा में, लेकिन कोई चांस नहीं हुआ पे, कोने से मिस फील्ड जरूर हुई और इसे भी दो रन करके चुरा लेंगे रवि और विक्रम तिवारी। शानदार रनिंग, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट्स और यही समाता ओवर की समाप्ति। छह ओवरों की समाप्ति के बाद 88 रन कुल स्कोर। बुमराह की बात की जा रहा है तो पहले ओवर में आते ही रन खर्चे थे, लेकिन इस बार थोड़े से भारी पड़े हैं बल्लेबाजों पे दोनों, जो ओवर करके हैं इन्होंने। दो रन पे आउट हुए थे ना, तो एक रन जुड़ेगा ना उसमें। दो ओवरों में 12 रन दिया है बुमराह ने। और वही विकेट की बात की जाए तो पानी नहीं पिलाएंगे आज, तीन विकेट लटके हैं बुमराह ने, अभी तो बहुत खास विकेट है ना भाई, अच्छे बॉलर है ना। अब अच्छे आएंगे बाजी के लिए समोदा। हाँ जफर भाई, सचिन भाई बोलो, जस सचिन जसवाल भाई बोलो। मिस्ट्री स्पिनर के रूप में जाने जाते हैं, इन्हें मिस्ट्री स्पिनर का दर्जा दिया गया है। दोनों टीम काफी अच्छी है भाई, 6 ओवर में 88 रन बन चुके हैं, अगर 120 100 कम दोनों का टीम का टक्कर मैच होगा। लौट आए बिट्टू तिवारी, सामना करेंगे, टक्कर का मैच होगा भाई। ये बड़ा शॉट लगाने का प्रयास था इस बार, तरंगी सा शॉट था, लेकिन चूंकि वो अपील तो थी मोहसिन की, लेकिन अंबार प्रभावित नहीं। ये कुल में कई सन दिए थे अच्छे ने भाई, इसी बीच स्कोर जा पहुंचा है कुल 88 रनों। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह बरकातहू, साकिब भाई कैसे हैं आप? 8 ओवर का मुकाबला है और समोदा से साथ आप लोग शेयर करते रहे भाई। ये बड़ा शॉट लगाने का प्रयास विक्रम तिवारी का, वहां कप्तान मौजूद है और ये कैच ऐसे लगता जैसे आम या अंगूर। बिट्टू तिवारी आउट होकर वापस जा रहे हैं, जो दर्शक है ना काफी खुश नजर आ रहे हैं। तो देखते हैं कप्तान किसे बल्लेबाजी के लिए भेजते हैं, क्या आएंगे सवाल मिर्जा अनस, बल्लेबाज का नाम बता दीजिए। देखते हैं अनस से खाते हैं सलमान मिर्जा कौन आते हैं। अभय सिंह आ रहे हैं,
अभय वो तो हाथ उठा दे, धन्यवाद। अनस नहीं है भाई, फाइनल भाई 3 बजे से खेला जाएगा। तो बल्लेबाजी के लिए आएंगे भाई, 8+8 ओवर का मैच खेला जाए। जफर भाई कमेंट में तो सचिन है, फिर से अच्छे में फिर से तैयार होंगे गेंदबाजी के लिए भाई। कोई गाली ना दे पक्का भाई ब्लॉक कर दूंगा भाई। तो कहीं ना कहीं बात की जा रही है गेंदबाजी की, लोग मैच देखिए भाई, मैच के बारे में बात कर रहे हैं, राजनीति के बारे में बिल्कुल बात ना करते। अच्छे ने भी विकेट झटके, मुकर्रम ने विकेट झटके, जिसके बदौलत थैंक यू सर, तो लो स्कोरिंग मैच चलता हुआ अगली गेंद आते हुए बड़ा शॉट लगाने का प्रयास था। ऐसा लग रहा है बासी के बल्लेबाजों के बल्ले पे आज गेंद आ नहीं रही है, उनका दिन जो है ना आज के दिन खराब लग रहा है। ओसामा को छोड़ दिया जाए तो ओसामा के बल्ले पे भी शुरुआती ओवरों में तो बल्ले पे गेंद आई, लेकिन उसके बाद कुछ खासा ना कर पाया अपनी टीम के लिए। बुमराह ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, 2 में 8 रन दिया है। हाँ तो अगली गेंद ये अच्छी है, लेकिन कट कर दिया पॉइंट की दिशा में। अरे वाह फील्डिंग की अच्छी फील्डिंग का मुजारा बुमराह के द्वारा। तो कहीं ना कहीं बुमराह ने ना हमें इंटरनेशनल बुमराह की याद दिला दी है, जैसा कि फील्डिंग उन्होंने 2019 के वर्ल्ड कप में किया था और स्टीव स्मिथ को। अरे सांसा भाई प्लीज रुक जाओ, जाने दो भाई प्लीज, जरा सा रुक जाओ। अनस है भाई, जितने लोग देख रहे वीडियो को भी शेयर करते रहे। तो कहीं ना कहीं अभय को बड़ी पारनी खेलनी होगी यार अभी को, क्योंकि अपनी टीम को अगर अगले एक रन लिए ओवरों में बड़े स्कोर पे ले जाना है तो सचिन चले। अच्छा की गेंद को भेजा सीधा डग आउट में, दस से दीर्घ ओवर 6 रनों के लिए। क्या शानदार बल्लेबाजी, आते ही छक्का लगाया, आते ही बड़ा शॉट लगाने का प्रयास है, उसमें सफल भी हुए। फाइनल यहीं पे होगा भाई, कहीं ना कहीं औसतन स्कोर जो देखा जाए 10 ओवर में 100 रन के आसपास रहा है 110 के। तो अगली गेंद कितना रन हुआ, 96 रन हो चुका भाई। ये मिलत भरी इस बार गुगली गेंद थी, वहां पे आउट का इशारा अंपायर द्वारा। तो इस बार कुछ दिक्कत में दिख रहा है प्लेयर, तो इशारा तो दे दिया गया अंपायर का, तो अच्छे खिलाड़ी की पहचान होती है कि अंपायर के फैसले पे अड़े रहे। तो अब है कुछ वहां बातचीत करते हुए साथ गुजर भाई, चलिए भाई कोई बात नहीं, आप लोग सुलह कर लीजिए प्लीज। और मैच देखिए अब आने बैठे के निकले अनस, अब जाएंगे मैच देखिए भाई, मैच बहुत ही रोमांचक होने वाला है क्योंकि दोनों टीम काफी टक्कर की मैच है। साथ में 96 रन बने अभी, धन्यवाद। तो रवि यादव के अपने सहयोगी से पूर्ण सहयोग की अपेक्षा रहेगी अगर बड़े स्कोर पे जाना होगा। थोड़े से 6 गेंद का गेम बचा है, अब आए अनस। तो अगर आप इस मुकाबले को लाइव देखना चाहते हैं तो जुड़ जाइए जफर इंगट के साथ, जो कि काफी मेहनत कर रहे हैं कड़कती धूप में, दिखा रहे हैं इस मुकाबले को लाइव प्रसारण पूरी प्रतियोगिता को। और वही अंपायरों की बात की जाए तो जहरुल हक मेन अंपायर की भूमिका में मौजूद है इस समय, मुझे गोंडा जिले से तालुकात रखते हैं। प्रतीक त्रिपाठी की भूमिका में खड़े राजपूत की बात की जाए तो वो गोरखपुर के पीपीगंज के एक छोटे से गाँव से तालुकात रखते हैं। तो जैसा की कहा जाए इस टूर्नामेंट में इन दोनों अंपायरों ने काफी सहयोग दिया है, तो अंपायरों की जो जोड़ियां ना उनको सत सत नमन है मैं प्रयाग भास्कर की तरफ से, कि इतनी कड़ी धूप में मैच तो करा रहे हैं, एक दिन में 4-4 मैच कराते हैं, तो इनकी काबिलियत तारीफ करनी होगी।
और वो जफर इंजन की भी तारीफ करने की जो इसने करे लू में भी यहाँ खड़े होकर ये मुकाबला दिखाते हैं। तो जफर इंजन को फॉलो करिए, फेसबुक चैनल खोलिए उनका जफर इंजन सर्च करिए और जफर इंजन को फॉलो कीजिए और इस मैच का लाइव प्रसारण देखिए। जल्दी करो भैया, मैच बहुत विलंब हो गया। सर्वेश यादव भाई एकदम बढ़िया हूँ मैं, आप कैसे हैं? ये मैच कौन जीतेगा, काफ़ी रोमांच मैच है भाई। तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि मैच देखो, पेज को फॉलो कर ले और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर, इंस्टाग्राम को फॉलो। थैंक यू भाई। ला लेना, पहले फील्डिंग कर लीजिए। बोले नहीं मैं रबाड़ा, 96 रन हो गया है, 96 रन हो चुकी है भाई। भाई 6 गेंद का गेम और बचा है, काफी रोमांच मैच होने वाला है गेंदबाजी के लिए। पहली गेंद ये गेंद जा रही है थर्मन के ऊपर से, भाई के 4 रन, सीमा रेखा से बाहर गई गेंद 4 रनों के लिए। जो भी कमेटी का मेंबर हो गेट को उठा दे। यह आखिरी ओवर है इस मुकाबले का, इस इनिंग का। आदित्य कुमार भाई थैंक यू सो मच, भाई थैंक यू सो मच। काफी मेहनत में हम लोग मैच दिखा रहे, काफी धूप है। बुमरा के द्वारा इसी के साथ रवि की पारी का अंत होता हुआ। अब देखते हैं कौन सा बल्लेबाज आएगा बल्लेबाजी के लिए। हमने आज तक जो पासी की टीम इतने विकेट गिरते हुए नहीं देखे। एक 104 रन हो चुके भाई। तो संभवतः है सलमान मिर्जा बल्लेबाजी के लिए धन्यवाद। ये बॉलिंग ऑलराउंडर के रूप में अपनी टीम में जगह बना के रखे हुए हैं। रामसरी सुपरस्टार खिलाड़ी रामसरी भाई हमारे साथ जुड़े हैं, काफी अच्छे प्लेयर हैं। तो बहुत बहुत स्वागत हमारे पे जफर इंजन पे रामसरी भाई का, जो कर्नाटक प्रीमियर लीग में काफी तहलका मचाए थे। 10 ओवरों में रहा है यहाँ पे औसतन स्कोर, लेकिन ये तो बड़ी टीम ही है। तो बड़ी टीमों को कुछ अलग करने की जरूरत होगा, वरना अपने और उन टीमों में क्या अंतर रह जाएगा भैया। तो सलमान मिर्जा को कुछ अलग करना होगा आज। आज मोहम्मद शमी बन जाना होगा इन्हें, चौके और छक्कों के बाद शाम में खेला जाएगा। तो ये अगले कितने लिए चलेगा पाड़ा पता है भाई, अम्बेडकर नगर खटारी से ये फुलटास जो थी गेंदबाजी कुछ नहीं कर पाएंगे आज। चोट को रोकने का कोई प्रयास नहीं, चोट कोई सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए मात्र को भी। हमारे साथ जुड़े सुपरस्टार खिलाड़ी, तो भाई बात की जाए कार वाले मैच के स्टार विवेक विकास तिवारी, जो विकास कैरी के नाम से मशहूर है। हमारे पेज जफर इंजन पे आपका स्वागत है। ये अच्छी गेंद थी, इस बार ठीक करने का प्रयास था। वहाँ फील्डर भागते हुए दोनों गेंद के पीछे, तेज कप्तान भूचंद शर्मा खुद आए वहाँ गेंद के पीछे। तब तक एक किरण जुराबाई के भाई के रूप में आए। एकदम बढ़िया है भाई जुगल तिवारी भाई, आप कैसे हैं?
सवाल कभी कसी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं इस ओवर में, तो वही एक सवाल विकास कैरी भाई, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। काफी नाम है विकास कैरी भाई का, जो प्रेजेंट टाइम आज यहाँ पे आने वाले थे, किसी वजह से नहीं आ पाए। कोई बात नहीं भाई, विकास कैरी आपका नाम तो काफी है। गोंडा के रहने वाले हैं मोहसिन भैया, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, बीच में कप्तान आपका हुआ है, डीप स्क्वायर लेग पे लगा हुआ है। लास्ट गेंद है भाई, 109 रन बन चुके हैं। अगली गेंद अच्छी गेंद थी, पुल कर दिया है, वह फील्डर मौजूद है, पुल द्वारा क्या शानदार कैच पकड़ा गया। 109 रन बने हैं, 110 रन का टारगेट रखा है। अने शेख के भी ओवरों की समाप्ति, कुल स्कोर बना लिया बासी की टीम ने 109 रन, 110 रन का टारगेट है। 5 मिनट का ब्रेक है, ब्रेक के बाद आप लोग से मैं मिलता हूँ। 110 रन का पहाड़ संभाल लक्ष्य, काफी धूप है तो मैं मिलूंगा 5 मिनट बाद। थैंक यू सो मच, जो लोग फॉलो नहीं की पेज को फॉलो करे और जफर एंजल लाइव को सब्सक्राइब करे, इंस्टाग्राम को भी फॉलो करे जफर एंजल नाम से। क्या था चले आइए भैया, थैंक यू सो मच भाई, 5 मिनट के बाद आप लोग से मैं मिलता हूँ। क्या था चले आइए,